हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक रिक्वेस्ट आई है, सैफ नाम है इनका, और इन्होंने भेजा है मुझे कि इंटर ओनली ए बी एंड सी, इसका वैलिडेशन रूल क्या होगा, प्लीज बताइए। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यूज डाल रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 एंटर किया, तो जैसे एंटर करके और फिर एंटर करता हूं तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है, प्लीज एंटर ए बी और सी, ठीक है। ऐसा कुछ वैलिडेशन शायद इनको जानना है, तो इसको कैसे कर सकते हैं आइए देख लेते हैं। न्यू फाइल चूज करेंगे यहां से, पहले तो यहां से इसको यस करता हूं मैं। अब यहां से न्यू ब्लैंक डेटाबेस चूज करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे और यहां से व्यू पे जाएंगे, डिजाइन व्यू पे जाएंगे, और डिजाइन व्यू पे जाने के बाद इसको कोई नाम दे देता हूं, वैलिड नाम दे देता हूं मैं, और ये आईडी है, प्राइमरी की है, ठीक है। ए में कोई वैल्यू रख लेंगे हम, बी में कोई वैल्यू रख लेंगे, ठीक है, और सी में भी कोई वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। यहां पे जैसे ही आएंगे तो यहां पर अब हमें एक यहां पे फील्ड का नाम यहां पे हम दे देते हैं टेक्स्ट, और इसको हम करेंगे यहां पे वैलिडेशन रूल लगाएंगे। तो देखिए क्या क्या लगाएंगे, यहां पे लिखिए ए, फिर गैप दीजिए बी, फिर गैप दीजिए फिर सी, इंटरफेस कीजिए, हो गया आपका काम। और यहां पे लिखिए प्लीज एंटर, मैसेज लिख दीजिए प्लीज एंटर ए कॉमा बी कॉमा सी, या फिर और कर दीजिए इसमें और कर सकते हैं आप, यहां पे ए और बी और सी, ओके। और यहां से क्लिक कीजिए यहां पे और आ जाइए, ओके। अब यहां पे आइए तो यहां पे टाइप कीजिए कोई नंबर, यहां पे नंबर टाइप हो गया, यहां पे सेकंड नंबर टाइप कीजिए, और सी में करिए थर्ड नंबर टाइप, और वैलिडेशन में जैसे आइएगा कोई भी नंबर आप टाइप करेंगे और टाइप करके जैसे एंटर करेंगे तो ये देखिए ये क्या मैसेज आ रहा है, प्लीज एंटर ए बी और सी। तो उम्मीद है कि ये वैलिडेशन आपको समझ में आया होगा कि ये वैलिडेशन हम किस प्रकार से दे रहे हैं। पूरा डिटेल में बताइएगा तो मैं समझ पाऊंगा कि इसमें क्या आपको देना है। फिलहाल ये वैलिडेशन इस तरह से आप लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।